गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम आपको शब्द विचार दोबारा से रिवाइज करवाएंगे। निजी क्लास में हमने आपको एक बार करवा दिया है, उसके प्रश्न उत्तर भी करवाए हैं, ठीक है, वो आपको अच्छे से हमने आपको समझाया भी है। आज हम उसके आपको डीजी क्लास देंगे, सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे, जिन्होंने नहीं किया है उसको अच्छे से समझेंगे और फिर करेंगे, ठीक है क्लास। बच्चों, एक या अनेक ध्वनियों के मेल से वर्ण बनते हैं, तो एक या अनेक वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं। शब्द की परिभाषा, वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। विशेषताएं, एक, शब्द से अर्थ निकलता है। दो, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। तीन, शब्द वाक्य में जुड़कर विचार प्रकट करते हैं। शब्द और पद में अंतर, जब शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तब उसमें कारक, लिंग, वचन आदि बन जाते हैं और उसका रूप बदल जाता है, तब वो शब्द न रहकर पद बन जाता है। शब्दकोश में शब्द होते हैं, पद नहीं। शब्दों का वर्गीकरण पांच प्रकार से किया जाता है। दो, अर्थ के आधार पर। तीन, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। चार, वाक्य में प्रयोग के आधार पर। पांच, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। अब देखिए, रचना या बनावट के आधार पर। एक, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद किए गए हैं। एक, रूप शब्द, यौगिक शब्द। तीन, योग रूढ़ शब्द, क, रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके तथा जो अन्य शब्दों के मेल से बने हों उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द, ख, जो शब्द दूसरे शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। ग, योग रूढ़, जिस यौगिक शब्द से किसी रूप अथवा विशेष अर्थ का बोध होता है उसे योग रूप शब्द कहते हैं, जैसे लंबोदर, दशानन। ये हमारे तीन शब्द थे, कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और या स्रोत के आधार पर फिर के मूल शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द भार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के चार भेद हैं, क, तत्सम शब्द, ख, तद्भव शब्द, ग, देशज शब्द, घ, विदेशी शब्द। भेदों की परिभाषा, क, तत्सम शब्द संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे निद्रा, नृत्य, जेश, रात्रि, वर्ष आदि। ख, तद्भव शब्द संस्कृत के जो शब्द परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे मयूर, मोर, कोकिल, कोयल, ग, देशज शब्द। हिंदी के लोक प्रचलित शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, जैसे दिव्या, लकड़ी, झुग्गी, पगड़ी आदि। घर, विदेशी शब्द विदेशी जातियों के संपर्क में आने के कारण उनकी भाषा के जो शब्द हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होने लगे उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है, जैसे डॉक्टर, स्टेशन, कानून, जहाज, चाय आदि। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के चार रूप हैं, क, पर्यायवाची शब्द, ख, एकार्थी शब्द, ग, अनेकार्थी शब्द, घ, विलोमार्थी या विपरीतार्थक शब्द। परिभाषा, क, पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं।
जैसे घर के पर्यायवाची हैं गृह, आलय, निवास आदि। ख एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का अर्थ सदा एक सा रहता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे मित्र, पत्नी, पुरुष, दीवार आदि। ग अनेकार्थी शब्द, जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे कर, हाथ, सून, टैक्स आदि। घ विलोमार्थी शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विपरीत भाव प्रकट करते हैं उन्हें विलोमार्थी शब्द कहते हैं, जैसे सुख दुख, ऊंच नीच, जीवन मरण आदि। वाक्य के प्रयोग के आधार पर, वाक्य के प्रयोग के आधार पर शब्द को दो वर्गों में बांटा गया है, क विकारी शब्द, ख अविकारी शब्द। ये इसके दो भाग हैं। क विकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के प्रभाव से अपना रूप बदलते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे लड़का शब्द प्रयोग भेद के कारण लड़के, लड़कों आदि बन जाता है। ये देखिए विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी शब्द कौन से होते हैं, ठीक है क्लास। ये है विकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के प्रभाव से अपना रूप बदल देते हैं वे क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी शब्द है, इनके उदाहरण भी दिए गए हैं, आगे देखेंगे। अविकारी शब्द ख अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा काल के कारण कभी परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द कहलाते हैं। व्याकरणिक प्रणाली के आधार पर, व्याकरणिक प्रणाली के आधार पर शब्दों के आठ वर्ग होते हैं, क संज्ञा, मकान, घर, मेज आदि। ख सर्वनाम, मैं, आप, तू, वह आदि। ग विशेषण, अच्छा, सुंदर, काला आदि। घ क्रिया, खाना, सोना, पीना आदि। ये देखिए आठ प्रकार के व्याकरण के आधार पर कितने बताए गए हैं, आठ वर्ग बताए गए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, आगे देखेंगे अंग, क्रिया विशेषण, धीरे, तेज, पैदल, वहां, कल आदि। च संबंध वाचक, ने, से, को, मे आदि। छ समुच्चय बोधक, और, या, पर आदि। ज विस्मयादि बोधक, आ, अरे, हाय आदि। आठ प्रकार के वर्ग थे, सभी बताए हैं। अंग बनाएं, एक वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह शब्द है, दो शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, तीन शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करते हैं, चार शब्दों को पांच वर्गों में विभाजित किया गया है, एक रचना या बनावट के आधार पर इसके तीन भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, युगरूढ़ शब्द, दो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इसके चार भेद हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, तीन अर्थ के आधार पर इसके चार भेद हैं, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी और विलोमार्थी शब्द, चार वाक्य में प्रयोग के आधार पर इसके दो प्रकार हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, पांच व्याकरणिक प्रकार के आधार पर के आठ वर्ग हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध वाचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, पांच अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, डच,
होता। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ विदेशी शब्द नीचे दिए गए हैं। एक अंग्रेजी मेट्रो ट्रेन कार साइकिल शर्ट कैप बैच लाउडस्पीकर। दो अरबी अखबार अदालत इंसाफ। तीन फारसी आदमी आमदनी आस्तीन कद्दू कमर खरी खराब। चार पुर्तगाली इस्पात गमला कप्तान पिता। पांच तुर्की उर्दू बावर्ची तो कैची। छह अन्य भाषाओं से रूसी से मिल वोडका रूबल स्पुतनिक। चीनी से चाय डच। ये देखिए जो हमारे देश में भारत में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, ठीक है, उन भाषाओं में क्या है, जो विदेशी भाषाएं हैं उन भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उन भाषाओं के कुछ शब्द हमारे भारत में भी बोले जाते हैं। देखिए सभी हिंदी अंग्रेजी में बोले जाते हैं, अरबी फारसी पुर्तगाली तुर्की अन्य भाषाओं में रूसी और चीनी में भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो यहाँ पर बोले जाते हैं, ठीक है। जो शब्द बोले जाते हैं उनके नाम हमने इसमें दिखाए गए हैं, सभी इसको ध्यान से सुने। तत्सम तद्भव अंग्री आय डच। ठीक है क्लास, यहाँ तक सभी की समझ में आया कि किस प्रकार से हमारे देश में जो भाषा कुछ शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं में बोले जाते हैं, ठीक है, वे भी हमारे भारत में बोले जाते हैं। सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे, हमने पहले इसके प्रश्न उत्तर वगैरह करवाए हुए हैं, ये हमारी डीजी क्लास है, सभी इसको अच्छे से देखेंगे और सुनेंगे, ठीक है क्लास। थैंक यू क्लास।